मित्रों, भाई और बहनों, नमस्कार। मेरा बताने जा रही हूँ, जो आपके होंठ होते हैं उनकी शेप देखकर आप जान जाएंगे कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। हमारे जो शरीर है मित्रों, उसमें लक्षणों के आधार पर स्वभाव और आपके आने वाले दिनों के बारे में सामुद्रिक शास्त्र बता देता है। ये भी एक अंग है सामुद्रिक शास्त्र का, कि व्यक्ति के सिर से पैर तक हर अंग के शुभ और अशुभ लक्षण बताए गए हैं। अंगों की बनावट, आकार और रंग देखकर व्यक्तित्व से जुड़ी कई बातें जो हैं वो मालूम की जा सकती हैं। किसी आदमी के होठों को देखकर या औरत के, महिलाओं के होठों को देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि वह व्यवहार, आचार विचार और कार्य क्षेत्र में कैसा है। यहाँ जानिए होठों के आकार और बनावट के आधार पर स्वभाव की कुछ बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का होठ देखकर बता जान सकते हैं कि वो किस तरह के विचारों का व्यक्ति है, किस तरह का व्यवहार है उसका, किस तरह का विचार है उसका, किस तरह का व्यक्ति है। तो जिस व्यक्ति पुरुष के होठ समान से अधिक मोटे दिखाई दें, वे क्रोधी होते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों पर ही गुस्से की वजह से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ये लोग बड़े ही जिद्दी होते हैं। जिनके मित्रों होठ मोटे मोटे होते हैं, उनके स्वभाव से जान चाहिए कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। जैसी बातों पर आपकी मतलब समझेंगे नहीं बात का, कि क्या कह रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे, समझ में नहीं आ रहा है, और गुस्सा पहले कर जाएंगे। और अगर किसी भी महिला या पुरुष के या भाई और बहन के छोटे पतले होंठ संकुचित होंठ कहलाते हैं। जिनके ऐसे होंठ हैं और वे रंग भी दिखाई देते हैं, वे दिखावा करने वाला होता है। ये लोग दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों लोग कैसे हमारे ऊपर आकर्षित हों, तो उस ओर ये ध्यान देते हैं। अंदर की ओर धसे हुए होंठ, जिनके होंठ सामान्य से ज़्यादा अंदर की ओर धसे हुए दिखाई देते हैं, वे रहस्यमय ही होते हैं। इनके मन की बात समझना मुश्किल होता है। ये अच्छे योजनाकार होते हैं और योजना गुप्त रखते हैं। मतलब जैसे आपने देखा मित्रों कि आपका कोई भी मित्र है या कोई भी भाई बहन है या कोई भी आस पड़ोस का है, अगर उसके होंठ सामान्य से ज़्यादा अंदर की ओर धसे हुए हों, यूं हो जैसे अंदर धसे हुए हों, तो वे रहस्य ही होते हैं। मतलब आप उनकी बात समझ नहीं पाएंगे। वो बहुत गहराई वाले होते हैं और इनकी बात को समझना बहुत कठिन होता है। ये अच्छे जो हैं भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और योजना को जो है वो अपनी बताते नहीं हैं किसी को। इस तरह के लोग होते हैं ये। और मित्रों, बताने जा रही हूँ भाई और बहनों, कि जिन लोगों के होंठ सामान्य से ज़्यादा उभरे हुए दिखाई देते हैं, मतलब जैसे आपके सामान्य हैं, जैसे आप महिला हैं या पुरुष हैं, जितने भी इंडिया में लोग हैं, भारत में लोग हैं, उनके सामान्य भी होंठ होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे विशेष होते हैं जिनके उभरे हुए होंठ होते हैं, वे थोड़े डरपोक स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग किसी भी कठिन परिस्थिति को हल करने का रास्ता आसानी से खोज नहीं पाते हैं। मतलब कि हमें हर परिस्थिति का समझ कर उसका रास्ता निकालना चाहिए, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। और जो इनके बड़े बड़े होंठ होते हैं वो सामान्य से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। होंठ जिनके लोगों के बड़े बड़े होते हैं मित्रों, वो सामान्य से ज़्यादा दिखाई देते हैं। वे अच्छे खाने के शौकीन होते हैं। समानता ऐसे लोगों को लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं और इनका लड़ाई झगड़ा जल्दी ठंडा भी नहीं हो ठंडा हो भी जाता है। मतलब
यह गुस्सा भी करते हैं पर गुस्सा होने के बाद ही ठंडे भी हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया मित्रों। तो मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।